ये क्या हो रहा है बेटा? आरा, ये कौन सा खेल है? कुर्सी टूट जाएगा कि रहेगा? इधर देखो, आज नासिम जा रही हूँ ब्रेड अंडा बनाने। इधर तवा सब रेडी हो गया, अब जा रहे बनाने। इधर चाय रेडी हो गया, जा रहे छान कर देने। ये ब्रेड अंडा बनाने जा रही हूँ। जब ये अंडा लाते तब एक फूटी का आता है, तो फिर इसको भी ऐड करके बनाएंगे। मेरा ये ऑमलेट रेडी हो गया। बाल धुल के नहाए तो बहुत ठंडा लग रहा है, तो ये सूटर जा रहे डाल दें। सूटर मैंने डाल लिया और आपके पापा गए हैं आग जलाने के लिए। जलाएंगे तब साग उग बिन कर दाल चावल आज साग बनेगा। क्या कर रहे आरब? ये क्या हो रहा है बेटा? आरा, ये कौन सा खेल है? कुर्सी टूट जाएगा कि रहेगा? इधर देखो, दाल चावल साग नहीं बनेगा, तो फिर ये बोले कि खिचड़ी बना लो, तो खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। तो फिर ये प्याज है, ये धनिया पत्ती, टमाटर, ये कुछ सब्जियां, मसाले, ये तड़के के लिए, ये एक गिलास चावल, तो बस एक गिलास पानी, ये ऑयल। ये कुकर में तेल गरम कर रहे हैं। सुबह नाश्ते के ये सब बर्तन है, ये सब साफ करके। इधर से मेरा मंदिर घर दिखता है। देखिए फ्रेंड्स, सारे बर्तन मैंने धुल लिए हैं। ये ढीला हो गया है। ऑयल गरम करके फिर ये सब मसाले डालना है। नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, फिर इसको लाल कर फिर मसाले डालकर, फिर इसको डालकर भून कर तब ये टमाटर डालेंगे, चावल, धनिया पत्ती, पानी एक साथ डालेंगे। प्याज ब्राउन हो गया तो ये सब मसाले डाल देंगे। अब इसको हल्के से भून लेंगे। टेस्टी खिचड़ी बनकर रेडी हो गया है। आइए फ्रेंड, आप लोगों का भी स्वागत है। ये कुछ कपड़े हैं, आई हूँ अभी डालने। मौसम तो अभी ठीक है नहीं, तो कोई फ़ायदा है नहीं, फिर भी डाल दे रही हूँ। कहाँ डालेंगे धुलकर कपड़ा। हेलो फ्रेंड, देखिए कपड़े सारे मैंने डाल दिए हैं। धूप तो निकली नहीं है, कोहरा मौसम है आजकल। देखिए ये सब मेरे कपड़े नहीं है, मेरे कपड़े बस ये सब है। ये मेरे नीचे वाले लुमका है। अब ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो आरव? बस इसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हाँ, इधर कार्टून चलना नहीं देखेंगे, ये बस करेंगे। हाँ, ये देखिए दोस्तों, सारा अपना खिलौना नीचे फेंक देता है। ये सब कवर्ड में मैं सरफ साबुन इसमें अपना सामान रखती थी, पर इसके वजह से सब ये निकाल के फेंक देता है, तो फिर इसके वजह से सब ने मैंने हटा दिया। क्या कर रहे हो आरब? देखो बस सब फेंकता ही रहता है हमेशा। आरब, ए आरब, इसके लिए सब डमरू होता है, ये भी डमरू है। ये क्या हो रहा है बेटा? ये डमरू थोड़ी ना है तुम जो बजा रहे हो। आरब बजा रहा है, क्या बजा रहे हो बेटा? क्या हो रहा है भैया? हाँ, खुद नहीं बजाएगा। हाँ अभी खुद नहीं बजेगा तो तुमको देगा। आज मैं जा रही हूँ फिश करी बनाने, तो तल के बनाऊंगी। तो मैरिनेट के लिए ये हल्दी, मिर्चा, नमक, ये नींबू, ये तेल में रिफाइंड ऑयल है, ये देखने के लिए रख दी हूँ। या इधर ग्रेवी तैयार हो रही है, ये अच्छे से भून कर मेरे पिछले वीडियो में ग्रेवी का पूरा मसाला बता डाला हुआ है। हल्दी जाएगा एक चम्मच,
मिर्चा, नमक स्वाद अनुसार, आपको जितना नमक चाहिए उतना ही डालिए। फिर ये नींबू गलेगा, फिर इसको अच्छे से हाथ से मैरिनेट कर लें। एक चम्मच या दो चम्मच रिफाइंड ऑयल भी डाल दें, फिर अच्छे से ये तलता है। रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गरम करके फिर एक एक पीस डाल दें। तो मैंने ये दूसरी तरफ रख दिया, मैं ज़्यादा नहीं तलती हूँ, हल्का हल्का तलती हूँ बस इसको। इधर मेरा मसाला भुन रहा है, भुनने को आ गया है। अब इसमें ग्रेवी लगा कर अच्छा तला है ना, बस मैं ऐसे ही तलती हूँ सारी मछली को। देखिए फिर मेरा मसाला अब भुन चुका, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। ये जो तेल ऊपर पर आ गया है ना, तो सब मसाला भुन जाता है। अब पानी डाल के फिर फिश को इसमें ऐड कर दूंगी। फिश करी मेरा रेडी हो गया।